अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए आज मैं आपको आलू वाले चावल बनाने की रेसिपी देती हूँ। इसके अंदर जो जो चीज़ें डलती हैं, सबसे पहले मैंने एक ग्लास चावल का लिया है, जो कि इसको अच्छी तरह धोकर आप इसको भिगो दें थोड़ी देर पहले चावल बनाने से पहले, वो इस वजह से कि अगर आप पहले से चावल भिगोएंगी तो आपके चावल बहुत अच्छे और खिले खिले बनेंगे। और ये तकरीबन मैंने दो पोटैटोज लिए हैं जो कि मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिए हैं ऐसे। और फिर मैंने ये टर्मरिक पाउडर लिया है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून है सॉरी, और 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है। सॉल्ट मैं आपको हर रेसिपी में यही बताती हूँ कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप ऐड कर सकती हैं। और ये स्मॉल ऑनियन है 1, फिर इसके अलावा 1 स्मॉल टोमेटोज है, ये टोमेटो है। और ये एक मैंने ग्रीन चिली ली है इसका टेस्ट चेंज करने के लिए, ये इसमें ग्रीन चिली का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। ये जिंजर मैंने लिया है, क्रश किया है मैंने जिंजर, तकरीबन 1 टीस्पून आप ले लीजिएगा जिंजर का। तो आइए अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डालूंगी, आप एक पैन ले लें, एक ग्लास चावल के लिए इतना ऑयल जो है वो इनफ है। फिर इसके अंदर आप ऑनियन डालें, और इसको आप ब्राउन कर लें ऑनियन को। एक और मैं आपको बात बताऊं कि आप जब भी कभी कोई खाना बनाएं या चावल बनाएं, ऑनियन ज़्यादा है, आपने एक जैसा कलर ऑनियन का करना है, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट जो है वो डाल दें, तो उससे ये होता है कि आपके जो ऑनियन है वो एक जैसा कलर उसका ब्राउन होता है, कोई डार्क और लाइट नहीं होता। बस अब हमने इसको ब्राउन करने हैं। आप देख रहे हैं कि ये हमारे ऑनियन तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसी सूरत में हमने इसके अंदर ये आलू चॉप, साथ आप मिक्स करती रहें इसको, साथ ही आपने जिंजर, ग्रीन चिली और टर्मरिक पाउडर और ये सॉल्ट, ये सब कुछ आपने ऐड कर देना है। बस आपने इसको उस वक्त तक भूनना है जब तक आपके ये जो टमाटर हैं ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। आप हल्का सा साथ इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकती हैं, वो इसलिए कि सम टाइम मसाला जो है वो ज़्यादा जलना शुरू हो जाता है, तो हम परेशान लेडीज़ हो जाती हैं कि जी हमारा ये मसाला क्यों जल रहा है। आपने परेशान नहीं होना, आपने इसके अंदर अगर आपको लगे कि आपका मसाला जलने लगा है तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है, ताकि जो आपके टमाटर्स हैं वो अच्छी तरह से गल जाए। देखिए मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है, और बस आप इसको अच्छे से भून लें। आप देखिए कि ये मसाला जो है हमारा अच्छे से भून गया है, ना इसके अंदर आपको कोई टमाटो नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं। जब तकरीबन ये हमारे आधे आलू जो है वो गल चुके हैं, आधे हम चावलों के साथ जलाएंगे इसको, जब मैं इसके अंदर चावल और पानी ऐड करूंगी। और जब हम चावल डालेंगे, जो हमने टर्मरिक पाउडर डाला था उसका कलर आप देखिएगा चावलों के ऊपर बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये हमारा मसाला सारा भून चुका है, और अब हम इसके अंदर जो एक ग्लास चावल थे वो मैं ऐड करती हूँ। साथ ही आपने पानी डालना है इसके अंदर, मैंने एक ग्लास पानी डाला है इसके अंदर, लेकिन एक ग्लास नहीं, इसके अंदर हम 2 ग्लास पानी डालेंगे, क्योंकि एक ग्लास चावल है तो 2 ग्लास पानी हम डालेंगे, तो फिर ही हमारे चावल जो है वो सही बनेंगे। ये आइडिया बहुत ही कारामद है कि अगर आप 2 ग्लास चावल लेती हैं तो आपने 4 ग्लास पानी चावलों के अंदर डालना है।
अब आप इसको तेज आग पे पकने के लिए रख दें। चावल जब इसमें थोड़ा सा पानी जब रह जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कितना पानी रह जाएगा, तो फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। हाँ जी, आप देखें कि इसमें कितना सा पानी रह गया है, और ऐसे आपने चावल रखने हैं आधे कच्चे और आधे पक्के। जब आप इसको दम पे रखेंगी तो दम आने के बाद ये बहुत ही अच्छे खिले खिले चावल बनेंगे, और इतने आपने पतले रखने हैं। बस अब आप इसको हल्की आंच पे दम पे रख दें, तकरीबन 15 मिनट्स के लिए आप इसको दम पे रखेंगी, तो फिर 15 मिनट्स बाद आप देखेंगी कि आपके चावल बहुत ही अच्छे बनेंगे। जी, अब आप देखें कि हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं, आलू भी गल चुके हैं, और बहुत ही अच्छे देखें खिले खिले चावल बने हैं। ये देखें बहुत मजे के चावल, सब आलू भी गल चुके हैं और अच्छा सा कलर भी इन पे आ गया है। ये आप रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा।